हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज की तारीख है 16 मार्च, मंडे का दिन आज। और कुछ स्टॉक मैंने ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिए, जो बेस्ट ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स है, तो उनकी स्टॉक लिस्ट मेरे पास है अभी फिलहाल। HDFC, SBI, सिप्ला, टाटा स्टील, कॉनकॉर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, पेट्रोनेट और अंबुजा और म्यूचुअल फाइनेंस। तो फ्रेंड्स, दिस आर दी स्टॉक, इतने स्टॉक्स हैं मेरे, और मोस्टली जो स्टॉक्स हैं मेरे बाय साइड के लिए है, ठीक है। बट अभी अगर मैं निफ्टी को देखूँ प्री ओपन सेशन, तो ये 304 ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स डाउन खुलने के दिखा रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। अगर 30% चांसेस है कि मैं शॉर्ट साइड जाऊँ, लेकिन मोस्टली मेरे जो स्टॉक्स हैं मुझे बाई के लिए इंडिकेट कर रहे हैं। अगर मुझे बाई के लिए लेवल्स मिलेंगे तो ही मैं बाय करूँगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं करूँगा। और अगर मैं कोई ट्रेड लेता हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। और फंड्स ओनली, मैंने जैसे आपको बताया था, इसमें मैंने फंड्स ओनली 1000 रुपीज़ को ऐड किया हुआ है, ठीक है। और 1000 रुपीज़ से अभी तक 1600 हमारा हो चुका है। दो ही ट्रेड किया मैंने, दो से तीन ट्रेड किया है, ठीक है। मतलब दो से तीन ट्रेडिंग सेशन ही अटेंड किया है। तो देखते हैं क्या होता है। मैं जैसे ही कुछ होता है मैं आपको, जैसे आप पोजिशन लेता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ। या फ्रेंड्स, तो अभी ग्लेनमार्क में मुझे थोड़ा सा बाई साइड के लिए लेवल्स दिख रहे हैं। हालांकि ये ट्रेड लेना थोड़ा रिस्की होगा, और वैसे शॉर्ट करना अभी मैं प्रेफर भी नहीं कर रहा हूँ। तो बाई के लिए ग्लेनमार्क मुझे दिख रहा है 207 पे, तो मैं इसको बाई लगा देता हूँ 207 के ऊपर एक। ठीक है, रिजेक्ट हुआ है ऑर्डर, पता नहीं क्यों। ओके, तो मैं इसके अंदर क्वांटिटी थोड़ी कम कर दूंगा, ठीक है। एक्चुअली मार्जिन कुछ मिल नहीं रहा है फ्रेंड, ज़्यादा बहुत ही कम हो चुका है मार्जिन। 40 क्वांटिटी कर देता हूँ फिलहाल के लिए। 7.10 पे मैं लगा देता हूँ, ठीक है। लगभग 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा इसमें मेरा, ठीक है। दिखा रहा है अभी कैश कितना यूज़ हुआ है, देखते थे मैं मार्जिन जो यूज़ हुआ है। ओके, 1400 का मार्जिन यूज हुआ है, और यहाँ से स्टॉप लॉस 2 पॉइंट का रखूँगा मैं, ज़्यादा रखूँगा नहीं, देखते। तो चलिए, ऑर्डर लगाया मैं, एग्जीक्यूट होता तो मैं आपको अपडेट कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है, इसमें स्टॉप लॉस लगा देता हूँ मैं। मार्केट डाउन साइड है, थोड़ा स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, तो स्टॉप लॉस में लगा देता हूँ 204.85 रुपये का, ठीक है। पहले स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स इस मार्केट में, अगर आप बाई साइड हो तो, कोई भी साइड हो आप, स्टॉप लॉस ज़रूरी है इस मार्केट में, ठीक है। मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया है, अब वेट करना होगा टारगेट पे। अभी ये ऑर्डर कहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ देखते हैं। एग्जीक्यूट हुआ ये 207.35 पे, ठीक है। मैं चार्ट्स कंप्यूटर से देख रहा हूँ, ठीक है। और बाकी जो दूसरा प्लेटफॉर्म मैं यूज़ करता हूँ फायर्स का, उसमें मेरे ऑर्डर्स लग ही नहीं रहा है, तो इसी से मैं ट्रेड करूँगा फिलहाल डेमो अकाउंट से, ठीक है। तो इसमें मैं टारगेट भी सेट कर देता हूँ, टारगेट इसका लगभग मैं 213 के करीब रखूँगा। अभी हमें और वेट करना होगा इसमें हमारे टारगेट के लिए। मैं 1:2 और 1:3 के ऊपर ही मैं फ्रेंड्स देखता हूँ सेटअप, जो लगते हैं इतना परफॉर्म कर सकते हैं उसी को मैं लेता हूँ, ठीक है। मार्केट वॉलेटाइल है, इसलिए स्टॉप लॉस भी काफ़ी मतलब बड़ा रखा हूँ मैंने, तो ठीक है। वॉलेटाइल मार्केट में छोटा स्टॉप लॉस, एक्चुअली मैं छोटा स्टॉप लॉस ही रखता हूँ, बट अभी वॉलेटाइल है मार्केट, इसलिए मैंने जैसे क्वान्टिटी में हमारी कम है, और इसलिए स्टॉप लॉस भी थोड़ा हमें बड़ा रखना होगा। तो टारगेट भी थोड़ा सा बड़ा रख सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है। तो टारगेट भी 214.85 के अराउंड रखूँगा मैं, टारगेट भी सेट कर देते हैं 214.85 पैसा, ठीक है। ओके, तो अब मैंने दोनों सेट कर दिया है, और जैसे कि जिस टाइप में मेरी पोजीशन जाएगी, कोई ऑर्डर मेरा ट्रिगर होता है तो मैं आपको अपडेट करूँगा। अभी मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए,
सो फ्रेंड्स, हमारी पोजीशन परफॉर्म तो कर रही है, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, बट इसका एक रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा सा हमें देखना होगा, वॉच रहना होगा। तो 214 आई थिंक ओके टारगेट हो गया है फ्रेंड्स, ठीक है, सिंपली आपके सामने देख सकते हैं। अब मैं ज़रा इसमें ऑर्डर चेक कर लेता हूँ, पेंडिंग ऑर्डर, ओके मेरा टारगेट ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अब मुझे इसको कैंसिल करना होगा, क्योंकि ये MIS ऑर्डर लगाया था, तो उसको मैनुअली हमें कैंसिल करना होता है। ब्यूटीफुली आपके सामने देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत जल्दी टारगेट हो गया, और वो भी गिरते हुए मार्केट में। फ्रेंड्स रिस्की था, बट जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि मैं बाई साइड रहूँगा ज़्यादातर, ठीक है, तो मैं बाई साइड के लिए देख रहा था। ग्लेनमार्क भी मेरे एक सेकेंड वॉच लिस्ट में था, जो मेरी फर्स्ट वॉच लिस्ट में, उसमें मुझे कोई खास सिग्नल्स मिल नहीं रहे थे, आपको दिखाता हूँ मैं, ये मेरी फर्स्ट वॉच लिस्ट थी जो भी है, HDFC, SBI, सिप्ला, बट ग्लेनमार्क मेरी सेकेंड वॉच लिस्ट में था, जो मुझे एक अच्छा लेवल्स दिखा रहा था, प्राइस एक्शन शो कर रहा था, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग मैंने इसको बाई कर लिया। क्योंकि अगर आप देखो, इसका 5 मिनट का हाई भी ब्रेक किया इसने, आपको बहुत कम स्टॉक ऐसे मिलेंगे जो अपने खुद के 5 मिनट्स के हाई को ब्रेक किया हुआ है, तो ऐसे गिरते मार्केट में इसने 5 मिनट्स के हाई को ब्रेक किया, और ऊपर पिछले दिन का एक रेजिस्टेंस था, मतलब 14 के आसपास, 1517 तक गया था, तो चांसेस है कि अपने पिछले डे के हाई को ये टच कर जाए। अगर आपको मैं चार्ट पे दिखा दूँ, चार्ट यहाँ से लोड नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ये कि पिछले दिन के, ये देखो अपने 5 मिनट के हाई को उसने ब्रेक करके ट्रेड कर रहा था यहाँ पे, और चांसेस थे कि इसका जो पिछले दिन का हाई है उसको टच करे, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है, बट थोड़ा मार्केट वीक है तो थोड़ा रिस्की था ये, बट मैंने इसमें ट्रेड ले लिया और अपना एग्जीक्यूट भी हो चुका है, 300 रुपीज़ का ही प्रॉफिट हुआ है फ्रेंड्स। बट आप देख सकते हैं मेरा मार्च में जो कैपिटल हुआ है, आपको मैं कैपिटल दिखाऊँ इसमें, ओके ऑलमोस्ट 1900 का मेरा इसमें कैपिटल हुआ है, ओनली 1000 रुपीज़ से मैंने स्टार्ट किया था, चौथा दिन है यहाँ ट्रेड का मेरा, जिससे मैंने इसे ट्रेड किया था, और 2000 रुपीज़ हमारे इसमें हो गए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है एक मेरा मोटिवेशनल पर्पज़ के लिए है, लाइक अगर हमारे पास 1000 रुपीज़ भी है तो भी हम ट्रेड कर सकते हैं, और छोटे छोटे अमाउंट के साथ इसको कैपिटल को बड़ा कर सकते हैं, और मेरा ये छोटे ट्रेडर्स जो बिगनर है उनके लिए खासकर ये मोटिवेशनल है। अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहता हूँ कि, देखिए स्ट्रैटेजी सबके पास होती है, बस उसको फॉलो करने आना चाहिए, डिसिप्लिन से उसको फॉलो करना चाहिए, सब स्ट्रैटेजी वर्क करती है, बस हमारा अपना माइंडसेट सही रखना होता है, इमोशंस को कंट्रोल रखने होते हैं, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, तब जाके वो स्ट्रैटेजी हमें रिजल्ट देती है, ठीक है। तो देख सकते हैं मैंने आपके सामने डिसिप्लिन के साथ ट्रेड किया और मेरा टारगेट हो गया, ठीक है। तो ये वीडियो एक मोटिवेशनल पर्पज़ के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, और स्ट्रैटेजी, अच्छी वाली स्ट्रैटेजी ज़रूर शेयर करने वाला हूँ मैं बहुत जल्द, ठीक है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं अभी इसको यहाँ पे एंड करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक मेरा कैपिटल ऑलमोस्ट 1100% से ऊपर हो गया, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं जैसे ट्रेडिंग करूँगा आपके साथ शेयर करते रहूँगा, तो एक स्ट्रैटेजी भी जल्द शेयर करने वाला हूँ, बट वो अभी मार्केट काफ़ी नीचे आ रहा है इसलिए वो स्ट्रैटेजी मैं अभी फिलहाल शेयर नहीं करूँगा, जब मार्केट नॉर्मल हो जाएगा तो मैं वो स्ट्रैटेजी शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और टेक केयर, बाय।